लेके आ गया हूँ ओरल कम्युनिकेशन। अब ये ओरल कम्युनिकेशन यूनिट वन का एमसीक्यू कल के पेपर के लिए, तो चलो दोस्तों शुरू कर देते हैं। जिन्होंने नहीं देखा, एक और एमसीक्यू का वीडियो है और पूरा मेरे डेढ़ घंटे का सुपर फास्ट फास्टैग रिवीजन का वीडियो है जो डिस्क्रिप्शन में होगा, तो प्लीज़ आप उसको चेक कर दीजिएगा। तो पहला लिखा है वी स्किल इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ, क्या लिखा है बेटा ये, इन्फो एंड आइडिया बिटवीन। हाँ, तो ये पहली ही लाइन पेम्पलेट की है कम्युनिकेशन, कौन सा ओरल, ओरल मतलब बोल के समझ रहे हैं कि नहीं, रिटर्न मतलब होता है लिख के, ठीक है, तो लिसनिंग स्पीकिंग नहीं होता है, ठीक है। सक्सेस ऑफ अ कॉमन, मतलब कॉमन का मतलब ओनली कैन ओनली टेक प्लेस इफ, ये ऐसे कब होता है कि भाई हमको पता है कि भाई लिसनर हैज अंडरस्टैंड व्हाट स्पीकर मीन्स टू कन्वे, ठीक है। एक बार तू समझ जाए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, देखिए आर्ग्यूमेंट करेगा तो सक्सेस नहीं होगा, समझ रहे, बराबर फीडबैक देगा तो सक्सेस नहीं होता, लेकिन मेरा काम तुझे एक्सप्लेन करना, और जब एक्सप्लेन हो जाए तो समझ लेने का भैया ये सब बराबर हो गया, ठीक है, ये क्लियर हुआ बेटा एक। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डैश एंड डैश आर टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ओरल, ओरल मतलब मौखिक, बराबर बोलना, समझ रहे हो कि नहीं, तो लिसनिंग स्पीकिंग होता है, हिडिंग रीडिंग होता है, स्पीकिंग होता है, क्या हो जाता है, टू एस्पेक्ट बोला है, तो ये स्पीकिंग अकेला तो आएगा नहीं, ओरल में है, ओरल में हो जाता है, तो कौन सा आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, रीडिंग एंड राइटिंग। मोनोलॉग, मोनोलॉग का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब सिंगल और लॉग का मतलब डायलॉग, जो बोलते हैं वो, बराबर स्पीकर। ये कहाँ से आया था, सारी चीजें ग्रीक से आई थी ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोलॉग, मोनोलॉग, मोनो का मतलब फिर से बोलो सिंगल और लॉग का मतलब स्पीकर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट मोनो, अरे यार क्या लिखा है, मोनो मीन्स, अभी ये गलत है, हाँ ये नहीं नहीं सारे आएंगे, अलोन भी आएगा, सॉलिटरी, पैम्फलेट की तीसरी लाइन में ही है, ठीक है। हाँ, ये लोगों का मीन मतलब क्या हो जाता है, बराबर वर्ड्स एंड स्पीच, सेंटेंस नहीं होता है, ठीक है, तो बहुत ए एंड बी। मोनोलॉग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, तब भैया तो ये तो बहुत बहुत हार्ड था यार ये। अमोंग इंटरव्यू सबसे पहले किसमें लिखा था मोनोलॉग, जॉब इंटरव्यू। अब क्वेश्चन नंबर 9, अमोंग फॉलोइंग विच आर द एग्जांपल ऑफ मोनोलॉग, जॉब इंटरव्यू में आप बोलोगे ये मैं हूँ, ये आप है, आप बोलोगे मैं सुनूंगा, तो आप अकेले बोलते हो, तो जॉब इंटरव्यू आता है। एग्जाम्पल हम ऐसे ही बोलते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं बराबर, तो बिना कुछ प्रिपेयर करे ऐसे ही बोलना चालू कर देते हैं, एक्सटेम्पोर बोलता है। पॉलिटिकल स्पीच क्या होता है, नरेंद्र मोदी बोलता है, हमें देखना है, नहीं नहीं देखना है, चलो ऑल, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ऑल। अ स्टूडेंट इज टॉकिंग अबाउट जीएसटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या हो जाता है, स्टूडेंट्स गप्पे होते हैं और कुछ नहीं। अमित शाह इज गिविंग स्पीच, अमित शाह नहीं, आपने नरेंद्र मोदी बोला, ये समझ गए कि नहीं, उसे क्या बोलेंगे, मोनोलॉग। वेयर टू और मोर पर्सन आर इन्वॉल्व, डायलॉग, बराबर, वो मोनोलॉग था तो ये डायलॉग था, डाया का मतलब टू होता है, ठीक है, या तो मोर देन टू, डाया मीन्स क्या हो जाता है, थ्रू, नहीं बोला इसका। अब यहाँ पे 15, मोनोलॉग का मतलब क्या हो जाता है, हाँ सॉलिटेड, अकेले अकेले बातें करना है, डाया का मतलब मोर देन टू, डायलॉग थ्रू पीपल, बराबर लॉग कौन सा आ जाएगा, वर्ड्स और स्पीच, ठीक है। अब यहाँ पे हिडिंग, ये देखो इसमें से दो से तीन एमसीक्यू पक्के, वो मिल गया ना, देखो उसमें थ्रू पीपल है तो उसमें भी पीपल नहीं चलेगा। हिडिंग, हिडिंग का मतलब क्या हो जाता है, लिस्निंग टू ओनली, लिस्निंग टू अदर पर्सन क्लियरली, रीडिंग एनी रिटन इंस्ट्रक्शन माइन्यूटली, पेइंग के सारे एग्जाम के टाइम पे हम यही करते हैं, बराबर, और एग्जाम के अलावा स्लीपिंग स्किल होती है। विच स्किल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट बट ऑल्सो निगलेक्टेड, हिडिंग, समझना, हिडिंग स्किल हेल्प्स टू, हिडिंग का क्या था मतलब, हिडिंग का मतलब क्या था, पेइंग अटेंशन, बराबर, हिडिंग स्किल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड बॉडी लैंग्वेज,
हाँ ये भी क्यों तुम नहीं बोलते सारा थके हुए है वो क्या ऐसे अंडरस्टैंड ऑडियो वीडियो हाँ तो ये तो कार्टून देखे बागबान देखे पता चल जाता था फिर रोते थे हम लोग बोथ ए एंड बी नन तो आएगा नहीं हाउ शर्लॉक होम हैव सॉल्व्ड मेनी केस माइन्यूटली वो सब पढ़ता था लेकिन उसके फ्रेंड वॉटसन था ना वो दोनों साथ मिलकर सॉल्व करते थे शर्लॉक होम कॉन्सेंट्रेट ऑन तो पीपल पे ध्यान देता था कॉन्वर्सेशन पे और जेस्टर पे सब पे ध्यान देता था पता ही नहीं कौन है शर्लॉक होम पता है कौन है अरे बहुत बड़ा डिटेक्टिव था मतलब ये तो फिक्शनल था उसकी स्टोरी आती थी उस पर पिक्चर भी आया हुआ है कौन सा नेक्स्ट लिखा हुआ है लिसनिंग स्किल क्या हो जाता है डैश सुनना को क्या बोलेंगे हम लोग हियरिंग और अगर ऐसा है तो इसका पूरा वीडियो है वो प्लीज जाके देख लीजिएगा बराबर डैश इज एन एक्टिव प्रोसेस इन विच सेंडर गिव्स एन इम्पोर्टेंट तो ये लिसनिंग होता है इनपुट क्या हो जाता है इनपुट इन्फो आइडिया ओपिनियन फीलिंग ओपिनियन फैक्ट्स ये भी इनपुट में आ जाता है आउटपुट क्या हो जाता है हाँ समझ पड़ी ए हाँ तो वो फीडबैक होता है रिस्पॉन्स हाँ रिप्लाई आंसर दे दिया आई बात बस तो समझ में जब बोला तो इसका मतलब कि मुझे फीडबैक मिला हु गिव्स इनपुट तेरा सर बराबर ये मैं बराबर ये आप आम आदमी पार्टी बराबर तो मैं ही इनपुट दूंगा और आप जो दोगे उसे बोलेंगे हाँ हु गिव्स इनपुट क्वेश्चन नंबर 4 हु गिव्स इनपुट यहाँ पे ये मैं हूँ और ये आप लोग हो आम आदमी पार्टी वाला नहीं तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ तो मैं सेंडर हो सकता हूँ जो तुम्हारी मम्मी नहीं बोलती ये करके आई हो बराबर नरेंद्र मोदी बोलता है ना स्वच्छ भारत का करना है बराबर एनकोडर मतलब मुझे कोई आइडिया देनी है तो मैं एनकोड करूंगा तुम लोग जो करोगे उसे डीकोड बोलते हैं ठीक है लिसनिंग रियली मीन्स क्या हो जाता है सुनना और सुन के समझना उन्होंने सिखा था ना ऐसे करना ये क्या हो जाता है लिसनिंग हो जाता है ठीक है फिफ्थ वाला हु गिव्स इनपुट बराबर बराबर हु गिव्स इनपुट लिसनर ऑडियंस डिकोडर ये आउटपुट हु गिव्स इनपुट ये इनपुट नहीं आएगा ये वाला आ जाएगा आउटपुट का तब जाके ये और ये समझ गए बिकॉज एनकोडर भी इनपुट और ये भी इनपुट ऐसा नहीं होता है ठीक है अकॉर्डिंग टू हुम लिसनिंग कंपनी सम कॉम्पोनेंट स्किल कौन हो जाता है अब ये तो नाम मुझे याद नहीं है यहाँ तो लिखा है तो मैं बोल देता हूँ विच स्किल इज द फर्स्ट स्किल इन द चाइल्ड पिक्स अप थी हम लोग आई एम बॉर्न इन अ गुज्जू फैमिली बराबर तो आई एम अ गुज्जू तो मुझे गुजराती सीखा ही नहीं मराठी किसी ने सीखा ही नहीं साउथ वाले को केरला सीखा ही नहीं है तो बच्चा सुनता है सुन के समझता है तो लैंग्वेज भी वो लिसनिंग से सीख जाता है समझ रहे हो हाँ इसीलिए बच्चे को छोटे बच्चे को आंख दिखाते हैं पता चल जाता है कि गुस्सा हो रहा है चाइल्ड रिएक्ट टू अ साउंड इवन वेन इनसाइड अर मदर वूम इज ये ट्रू है कि फॉल्स है यस इट इज ट्रू ठीक है हाँ इट इज ट्रू दे रिएक्ट या अब लेकिन ये इतना प्रूफ नहीं हुआ है सर्टेन नहीं है बट या और एक एग्जाम्पल दे दूँ अब ऐसा बोला है कि महाभारत में कि भाई अभिमन्यु जब आने वाला था तो श्री कृष्ण भगवान जो थे वो सिखा रहे थे कि चक्रव्यूह में घुसते कैसे है और उसे तोड़ते कैसे है तो जब श्री कृष्ण भगवान बता रहे थे तब उसने सुन लिया था लेकिन जब वो तोड़ने की बात आई तब उसकी मॉम जो थी वो सो गई थी इसीलिए लाइक वो अंदर घुसने का उसको रास्ता पता था बाहर आने का पता नहीं था तो ये एक पौराणिक कथा है जो प्रूफ करती है कि या कि भाई बेबी लिसन्स अकॉर्डिंग रिसर्च हाउ मच टाइम वी स्पेंट ऑन लिसनिंग ज़्यादा टाइम करते हैं भाई हम लोग 45% आइडेंटिफाई ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग मोस्ट ऑफ अस स्पीक एट द रेट ऑफ अबाउट 2 words per second वी कैन हियर एंड प्रोसेस मोर देन 8 words per second हाँ लिसनिंग इज Identify the true statement. Most of us speak at the rate of about 2 words per second. True. We hear and process more than 8 words per second. देखो ये ऐसे MCQ में आ सकता है. Listening is easier than speaking. Yes. बराबर क्योंकि बोलने में तो दिमाग लगाना पड़ता है. तो ये true. ठीक है. फिर match the following. ये जान दो.
बराबर फ्रॉम द फॉलोइंग विच फैक्टर्स आर एसर्टेन टाइप्स ऑफ लिसनिंग नहीं रिसीवर मेरा इंटरेस्ट होगा तो ही मैं सुनूंगा मैं सुन देखो आज तुम लोग सब बैठे हो बिकॉज एमसीक्यू हो रहा है कोई जाएगा नहीं और कॉन्सेंट्रेशन भी कर रहे हो तो ये सारी चीजें है ठीक है एग्जाम पूरी हो तो फिर 12 बजे सर जान दो ड्यूरिंग द क्लास लेक्चर बराबर ये सुनील है के अनिल है इज फिजिकली प्रेजेंट लेकिन साइकोलॉजी कहाँ है उसकी वैलेंटाइन डे पे खुल रहा है बराबर या तो उसके पैसों का जुगाड़ कर रहा है तो उसे पैसिव लिसनिंग बोलेंगे हो सकता है कि वो सर नहीं सर दुख रहा है या तो पैसों का कोई प्रॉब्लम है समझ रहे हो तो इज फिजिकली प्रेजेंट बट मेंटली नहीं है तो उसे पैसिव बोलते हैं इन विच लिसनिंग लिसनर कैन नॉट रिसीव एन एनालाइज तो भाई पैसिव में तो ना उल्टा गाड़ा मैंने नहीं बोल दिया था सिलेक्टिव लिसनिंग थोड़ा सा सुनता है सर इसका आंसर बोल दो बस पीस हो जाता है ठीक है तो ये तो बेवकूफज है महाबेवकूफ बराबर उससे ये मार्जिनल वाला थोड़ा अच्छा होता है कुछ तो सुनता है मेन मेन पॉइंट सुनता है बराबर है वे मार्जिनल वाले छिल्ले पूछते हैं कि सीता नु हरण था तो हरण का क्या हुआ बराबर लेकिन वो सुन रहे हैं उनको पता है कि सीता का हरण हुआ था ड्यू टू विच फैक्टर रिसीवर डज सिलेक्ट थिंग्स बराबर है साइकोलॉजिकल बैरियर मुझे नहीं पसंद है ज्योतिष की बात तो मैं नहीं सुनने वाला फिजिकल बैरियर देखो अभी पीछे आवाज आ रहा है गर्र करके तो थोड़ा सा वो भी हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये ऑल फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल प्रोजेक्टिव लिसनिंग क्या हो जाता है प्रोजेक्टिव लिसनिंग ये हो जाता है कि जो मैं अपने आप को प्रोजेक्ट करूंगा मैंने वो ये पूरा एक से डेढ़ घंटे का वीडियो है यूट्यूब पे रखा हुआ है प्लीज आप चेक कर लेना ना मिले तो कमेंट कर देना तो प्रोजेक्टिव लिसनिंग पूरा मैंने बताया था वो मकान का एग्जांपल दिया था सेंसिटिव लिसनिंग जो हो जाता है वो अपनी इमोशंस पे होता है इसलिए बागबान पिक्चर देख के सब रो रहे करके और फिर मेरे पापा के बोलते कि लड़कों के नाम कुछ नहीं देना चाहिए क्यों तो पिक्चर में देखा था इतने सेंसिटिव हो जाते देखे पिक्चर बागबान सब लोग रोते रहते हैं अब तू साले इतना रोता होगा तो तेरे लड़के भी तेरे साथ थोड़ी रहेंगे क्रिटिकल लिसनिंग जो हो जाता है ये क्रिटिकल हम लोग कब करेंगे इंटरव्यू में ठीक है बराबर अब ये क्या है लिसनिंग फॉर मेन आइडियाज मेन आइडिया के अंदर क्या हो जाता है कि लेक्चर में मेरे लेक्चर में सुनो अच्छा डेबिट आएगा क्रेडिट आएगा बस हो गया फिर जान दो एम्फेटिकल लिसनिंग क्या हो जाता है एम्फेटिकल लिसनिंग बराबर ये एग्जिट तुम लोग हमारा क्लास छोड़ के जा रहे हो बहुत अच्छी बात है बाबुल की दुआएं लेती जा लेकिन क्यों सो आई अंडरस्टैंड के व्हाट आर द रीजन और उसके हिसाब से मैं इंप्लीमेंट करके मेरे ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा शक्तिशाली वो कर सकूं और एग्जिट इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब लोग जाते हैं तब लेते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग सिचुएशन विद लिसनिंग क्या हो जाता है लिसनिंग टू रिकॉर्ड फोन कॉल्स ये होता है क्या फोन कॉल रिकॉर्डिंग टू अ रिकॉर्डेड फोन कॉल ये तो यूट्यूब बोल दो वो हो जाता है लिसनिंग फॉर अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इंटरव्यू लिसनिंग ये किसके लिए होता है इंटरव्यू लिसनिंग वो तो अभी मैंने क्रिटिकली एनालाइज बोला वो ही होता है रिसीवर गिव्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स एक्टिव लिसनिंग बराबर है लिसन टू टीवी न्यूज क्या हो जाता है चीफ गेस्ट टीवी न्यूज पैसिव होगा बेटा लिसनिंग टू चीफ गेस्ट ओ मैंने बहुत ये किया ऐसे प्रोजेक्टिव का मतलब मैंने बोला एक मकान फिर मैंने मकान में बहुत बड़ा दुकान और मतलब मैंने बोला था एक आपकी बहुत बड़ी ऑफिस ठीक है ऑफिस के अंदर बहुत अच्छा सोफा है उसके कलर भी है फिर किसी ने ब्राउन बोला था किसी ने ग्रे बोला था याद है ना तो वो ऐसे सुन के हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं उसे प्रोजेक्टिव लिसनिंग बोलते हैं एग्जिट इंटरव्यू अब तीसरी बार आया अब मत पूछना ठीक है व्हाट इज द मोस्ट रिक्वायर्ड व्हाइल लिसनिंग अटेंशन द स्पीकर डिजर्व्स वेरी अनडिवाइडेड अटेंशन इसलिए बोलते हैं कि पे अटेंशन ये वो हाउ अ लिसनर कैन कन्वे टू स्पीकर दैट ही इज लिसनिंग बता के ओके पूछ के जवाब दे के नोट्स लेके बराबर कॉमेंट करके आर्ग्यू करके एग्री करके बराबर जेस्चर से सिम्बोल से द स्पीकर शुड फील मैं बराबर कॉन्फिडेंट होना चाहिए हैप्पी होना चाहिए और रिलैक्स होना चाहिए वरना अगर तबीयत बराबर नहीं होती तो लेक्चर लेने की मजा आती नहीं है द स्पीकर नीड्स पीरियोडिक बराबर एप्रिसिएशन अंडरस्टैंड दिस नॉट कि भाई हाँ मैं तू हर बार झगड़ा करेगा नहीं चलेगा बराबर स्माइल करेगा तो मुझे स्माइल से लेना देना नहीं समझ पड़ रही है कि नहीं वो है कि यार थैंक यू ठीक है हाँ तो जब कोई कमेंट करता है थैंक्स सर तो अच्छा लगता है आप लोग भी अच्छे ही हो टू क्लैरिफाई पॉइंट्स ऑन डाउट समराइज एंड रिफ्लेक्ट ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड बाय डन उसको क्या बोलेंगे क्लैरिफाई डाउट्स बराबर एंड समराइज उसको आर्ग्यूमेंट नहीं बोलते नन नहीं होता है क्लैरिफाई डाउट्स को पैराफ्रेजिंग बोलते हैं क्या बोलते हैं
इसमें ये पूछना है नहीं, डिफिकल्टी के लेके आते हैं ऐसे करके पूछवा मुझे। डिफर जजमेंट मीन्स बराबर डिफरेंट ओपिनियन डिफरेंट जजमेंट, टू एक्सप्रेस डिसएग्रीमेंट ऑन ओपिनियन आफ्टर द स्पीकर हैज फिनिश। सर आई थिंक आप बराबर हो लेकिन मुझे लगता है कि यार ये प्रॉब्लम है। फिर क्या लिखा है, द रिस्पॉन्स ऑफ लिसनर शुड बी, सामने वाला कैसे होना चाहिए बराबर क्लियर बराबर ऑनेस्ट रिस्पॉन्स आना चाहिए। मैं कितनी बार पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट ऐसे तो पता चल जाता है कि भाई क्लियर रिस्पॉन्स नहीं चाहिए मुझे, अभी का अभी नहीं चाहिए, ऑनेस्ट रिस्पॉन्स चाहिए। टू इंटरप्ट स्पीकर ड्यूरिंग स्पीच मीन्स, तो क्या भाई वो बोलना बंद कर देगा, गुस्सा आ जाता है बराबर, लिसनर कैन नॉट अंडरस्टैंड द मैसेज। मैंने नहीं बोला था कि मुझे परेशान करना है तो आंसर नहीं देना, चुपचाप पुतले से बोल जाना। फिर देखो 15 मिनट के बाद तो क्या होता है, अमरीश पूरी बन जाता हूँ कि नहीं। एक्टिव लिसनिंग इंक्लूड्स सारा, अभी बहुत आ गया है लिसनिंग का। व्हाट शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग लिसनिंग, क्या हो जाता है सब कुछ अवॉइड करने का, ठीक है चलो बहुत हो गया ये। आर्टिकुलेशन, लैंग्वेज इज प्रोड्यूस बाय वोकल ऑर्गन्स, ठीक है वर्ड वॉइस से नहीं। स्पीकिंग स्किल इज नोन एज आर्टिक्यूलेटिंग, सबसे बेस्ट स्पीकर कौन है अभी, सो आर्टिक्यूलेटिव, अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट क्या लिखा है, व्हाट आर द फोर कंपोनेंट्स, ये आया था ना वैसे सर्कल करके मैंने बताया था, हाँ ठीक है, फ्लुएंसी वोकेबुलरी ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन, ठीक है हाँ वे हम लोग आज भी ये क्या होता है थ्री देखा टायर है तो टीयर होता है अब गुजराती है तो समझ ही जाएंगे। व्हाट इज मोस्ट नेसेसरी टू स्पीक इफेक्टिवली, क्या चाहिए फ्लुएंसी बराबर। इंटरक्यूलेटर मींस क्या हो जाता है, वो रिसीवर और लिसनर भी होता। फ्लुएंसी डिपेंड्स ऑन लैंग्वेज, मैं गुजराती में आई एम फ्लुएंट, हिंदी में आई एम फ्लुएंट बिकॉज आई एम कंफर्टेबल, इंग्लिश इज ऑल्सो आई एम फ्लुएंट, मराठी आई नो बट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, तो मुझे सोचना पड़ता है तो थोड़ा सा फ्लुएंसी चेंज हो जाती है। हाँ नासिक जाते हैं 5-7 दिन रहते तो वापस एक ग्रिप आ जाती है, फिर वापस 4-5 महीने बाद छूट जाती है, बट वहाँ फ्लुएंसी नहीं, दैट इज नॉट माई मदर लैंग्वेज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, वॉट इज इंडिकेटर ऑफ स्ट्रॉन्ग फ्लुएंसी, सारा क्लैरिटी, ये समझ गए, हम्बल हॉल्ट क्लैरिटी टू स्पीक। देख 10 मिनट बोले 1 घंटा बोले फिर लोग बोर हो जाते, अच्छा बोलो कम बोलो अच्छा बोलो। What is required to attribute what you want to say using the most appreciative expression? क्या हो जाता है vocabulary, proper बोलो, ऐसा बोलो कि सामने वाला तुरंत समझ जाए। The best way to grow your vocabulary is पढ़ो, is read 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 बराबर, YouTube 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 audio video make notes, ठीक है ये चीज हो जाती है। हाँ तभी तो मैं TED देखता हूँ, TED क्या होता है ये जान दो। नो वन कैन स्पीक लैंग्वेज विदाउट नोइंग ग्रामर, और हमारा ग्रामर पता है ना कैसे, हाँ याद आ गया। विच स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट बट कॉम्प्लेक्स टू लर्न, प्रोनाउंसिएशन बराबर, ये मैं नहीं सीख सकता बराबर, क्योंकि थोड़ा सा गुज्जूपना तो हिंदी में आ ही जाता है, और अगर वो मतलब ऐसा है कि हमारा मतलब पंजाबी था वेरी गुड, एक हम पंजाबी था बराबर, वो थोड़ा छेती कर यार, तो वो आ ही जाता है, मतलब वो कितना भी करेगा ठीक है वो हो जाता है। नेक्स्ट, एज पर द प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश हाउ मेनी, 44 साउंड है, वोवेल्स कितने हैं, 5, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कितने, 20, अल्फाबेट, हाँ बस हाँ याद रखना, हाँ द साउंड दैट वी प्रोनाउंसिएशन इन एनी लैंग्वेज आर फॉर्मली रिटन इंटरनेशनल फोनिक अल्फाबेट IPA, ऐसा भी बोलना बोलना ए ए फोनिक्स होता है बराबर। देखो वापिस आया ना IPA का, बोला ना ऐसे आई सकता है IPA, नोशन ऑलवेज रिटर्न। प्रोनाउंसिएशन, द वर्ड प्रोनाउंसिएशन इज कंसर्न विद आर्टिकुलेट साउंड वर्ड सेंटेंस। व्हाट इज द मोस्ट रिक्वायर्ड प्रोनाउंसिएशन, व्हाट इज द फिर रुक, व्हाट इज द मोस्ट रिक्वायर्ड टू प्रोनाउंस एनी वे वर्ड,
एनी वर्ड बराबर एयर दैट कम्स आउट फ्रॉम था तूने पढ़ा है हाँ हाँ और हाँ अरे हाँ हाँ लेकिन मैंने बोला था कि भाई ओमी ओम ओम हाँ एक ही वर्ड होता है जो पेट से चालू होके बराबर कंठ पे आके मुंह से बंद होता है. हाउ द प्रोसेस ऑफ प्रोनाउंसिएशन वर्क. वी पुश एयर फ्रॉम लंग्स बराबर एंड मोल्ड करते हैं. ठीक है जैसे ए बोलना ए और अगर किसी को मारे तो पूरा ऐसे उल्टा होके आ निकलता है. प्रोसेस ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ एनी वर्ड इंक्लूड ऑल ऑफ द हाँ व्हाट इज इंक्लूडेड इन द स्पीच ऑर्गन. साले टीथ नहीं होते वाले. When a letter C is pronounced as K, ये क्या ये पहले वाला ही था I cat बराबर ये cat होता है ये cat. तभी पता चलता है साले कैटरीना कैसे क्यों लिखते कैटरीना क्यों नहीं लिखते. अब ये कौन सा था कैटरीना ऐसे लिखते क्या नहीं आर आई नहीं लिखते क्या पता यार आई आई. ठीक है लेटर सी इज प्रोनाउंस एस एस ये गलत है बेटा ये आई ई होगा ना तो एस नहीं होता ये के होता है. ठीक है ऐसी होगा ना तो बेटा नहीं होता है बेटा आई ई वाई लिखा हुआ है बराबर. हाँ मैं बोल रहा हूँ ना भाई हाँ और लेटर जी मेरे को जवाहरलाल नेहरू हाँ हाँ जीब्रा जीब्रा बराबर तो जीब्रा हो जाता है. जीब्रा तो जेब्रा होता है जेब्रा ऐसे है. चल भाई बहुत हो गया यार तो बराबर. वोकैबुलरी दिस इज डिफाइंड एज अ वर्ड हुज मेन फंक्शन इज टू डिस्क्राइब देन मॉडिफाई अ नाउन अ बिग हाउस तो उसको एडजेक्टिव बोलते हैं. एडजेक्टिव बिग हाउस समझ रहे कलर से होता है ब्राइट रेड. फाइंड आउट एग्जेक्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग नहीं फाइंड करना जाने ये देख टॉलर आ गया टेबल स्क्वायर स्क्वायर बराबर स्क्वायर लिखा हुआ है. डैश डिफाइंड एज अ वर्ड हुज मेन फंक्शन इज टू मॉडिफाई अ वर्ड क्या हो जाता है एडवर्ब रनिंग फास्ट खत्ता खमीना सी रन्स क्विकली ये रन्स क्विकली बराबर तो एडवर्ब कौन सा हुआ क्विकली बराबर. हाँ एडवर्ब टिपिकली मीन्स एडवर्ब ऑफ टाइम एडवर्ब ऑफ प्लेस था ना सब जो अपने को आता नहीं था सर बहुत मारते थे बराबर है. निधि वर्क्स हियर हियर क्या हो जाता है फाइंड आउट द एडवर्ब हियर द गर्ल इन द ब्लैक ड्रेस धीरज दिस सोप इज नॉट एडिबल. एडिबल का मतलब क्या होना चाहिए खाने लायक. ठीक है तो वो एडिबल हो जाता है बस में बहुत हो गया. दोस्तों और वीडियो के लिए बस आप शेयर कीजिएगा तो शाम को हम लोग मिलते हैं और फिर इसका भी एक वीडियो बना लेते हैं. ठीक है तो इसको शेयर कीजिएगा. आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. गुड बाय गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद.